2 से 3 हफ्तों में ही चाहते हैं डबल डिजिट रिटर्न, तो एक्सपर्ट के सुझाए इन स्टॉक्स पर जरूर गौर करें। आरबीआई के रेपो रेट के ऐलान और उसके आगे के गाइडेंस के बीच निफ्टी में वोलेटिलिटी देखने को मिली है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की कमेंट्री के बाद 8 फरवरी के कारोबार में निफ्टी 17,800 के रेजिस्टेंस के ऊपर जाता दिखा। डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन के 2 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता दिखा है। इसके अलावा निफ्टी शॉर्ट टर्म और नियर टर्म दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है। RSI इंडिकेटर भी बढ़त के साथ बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है। बड़े स्केल पर देखें तो निफ्टी एक फॉलिंग चैनल में घूमता रहा है, हालांकि ये इस चैनल के ऊपरी छोर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। नियर टर्म में निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। आगे निफ्टी हमें 18,000 की तरफ जाता दिख सकता है। अगर निफ्टी 18,000 का रेजिस्टेंस पार करते हुए मजबूती दिखाता है तो फिर इसमें 18,350 से 18,400 का स्तर दिख सकता है। वहीं नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 17,650 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है। LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे की 3 शॉर्ट टर्म पिक्स, जिनमें 2 से 3 हफ्ते में हो सकती है जोरदार कमाई। पूनावाला फिनकॉर्प, रूपक डे की राय है कि इस स्टॉक में 289 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 330 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में शेयर 10% रिटर्न दे सकता है। वर्तमान में ये शेयर 301 रुपए के आसपास है। डेली चार्ट पर इस शेयर ने एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, जो इस शेयर में और तेजी आने के संकेत दे रहा है। इसके अलावा ये शेयर अपनी सभी अहम नियर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है, ये भी अच्छे संकेत है। महानगर गैस, MGL में भी रूपक डे की खरीदारी की राय है। उनका कहना है कि इस शेयर में एक संक्षिप्त कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट दिया है। इसके साथ ही इसके वॉल्यूम में भी बढ़त देखने को मिली है। इसके मोमेंटम इंडिकेटर भी मजबूत बाइंग जोन में दिख रहे हैं। ये इस स्टॉक में मजबूती कायम रहने का संकेत है। MGL में रूपक डे की 870 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 960 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। उनका मानना है कि इस स्टॉक में 2 से 3 हफ्ते में 6% रिटर्न आसानी से मिल सकता है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, इंटेलेक्ट डिजाइन में रूपक डे की 444 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 485 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर 5% रिटर्न दे सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, जो इसमें अभी और तेजी आने के संकेत दे रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।